ओके गाइस, तो आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों के फेवरेट प्लेस पे, दैट इज़ नॉर्थ गोवा। ऐसे तो मैं अभी नॉर्थ गोवा में हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगा टॉप 5 फ्री प्लेसेस इन नॉर्थ गोवा फॉर इंस्टाग्राम पिक्चर्स। सो लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो सबसे दूर था होटल से, उसको सबसे पहले विजिट किया, एंड उसके बाद जो सेकंड डेस्टिनेशन था वो एकदम सेंटर में था गोवा के। इसलिए आप लोग भी यही कीजिए, सो दैट आपके फर्स्ट एंड सेकंड डेस्टिनेशन आराम से एक साथ कवर हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ज़ुवेम ब्रिज। बहुत ही अमेजिंग जगह है गाइस, बहुत ही पीसफुल। एंट्री फ्री है यहाँ पे और पार्किंग भी फ्री है। देखो मैंने स्कूटी वहाँ पे पार्क की है और बस यहाँ पे आप आपके इंस्टाग्राम फोटोज ले सकते हो, चिल कर सकते हो, मस्त एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत पीसफुल वाइब मिलेगा। अमेजिंग अमेजिंग, क्या हवा आ रही है यार, सीरियसली सुपर प्लेस है, सुपर प्लेस। वाओ, सच में तो वहां से मैंने एंट्री की थी। वाओ, सही है ना, है ना, एकदम अमेजिंग जगह। तो आइए आप लोग भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे फोटोज खींचते हैं। मैं भी यहाँ कुछ फोटोज खींचूंगा, फिर निकलूंगा हम लोग के सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। फर्स्ट डेस्टिनेशन ही इतना खूबसूरत था कि हमें वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट हमें बाकी के डेस्टिनेशंस भी कवर करने थे, इसलिए आधा घंटा यहाँ घूम के हम चल पड़े सेकंड डेस्टिनेशन पे। ओके गाइस, आई एम एट द फेमस पैरा कोकोनट रोड। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि डियर जिंदगी की शूटिंग यहीं पे हुई थी, शाहरुख खान और आलिया भट्ट। तो आपको जब भी टाइम मिले यहाँ ज़रूर आइए, ये काफ़ी फेमस प्लेस है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए। और ये पूरा लाइन ऑलमोस्ट लाइक अ वन वे रोड है छोटा सा, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं फ़ोटोज़ के लिए। आप भी आइए यहाँ पे, इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ लीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे साइड में पार्क कर सकते हो आपकी स्कूटी और उसके बाद फ़ोटोज़ ले सकते हो, और बहुत ही अच्छे इंस्टाग्राम फोटोज आ सकते हैं। आपके फैमिली को लेके आइए यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स लोगों को, आप लोग यहाँ पे जरूर आइए। देखिए पैरा रोड, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और ये जगह पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए आप यहाँ पे दोपहर में आइए तो आपको काफी खाली मिलेगा और आप आपके इंस्टाग्राम फोटोज यहाँ पे ले सकते हो। चलो अभी मैं आप लोगों को यहाँ
डेस्टिनेशन से सिर्फ 16 मिनट की ड्राइव पर है और काफी फेमस है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। यहाँ पे गाइस पार्किंग फ्री है, जैसे मैंने स्कूटी वहां पे पार्क की है बाहर। और एंट्री भी यहाँ पे फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं। शाम के वक्त ये जगह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और जैसा यहाँ के स्टैचूज कर रहे हैं आप भी वैसा ही कीजिए, यानी कि यहाँ पे शांति बनाए रखिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हमारा फोर्थ डेस्टिनेशन प्रीवियस डेस्टिनेशन से सिर्फ 2 मिनट के ड्राइव पर था। ओके गाइस, सो वी हैव रीच्ड आवर फोर्थ डेस्टिनेशन हाउसेस ऑफ गोवा। तो गाइस यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री फ्री है, आप यहाँ पे बैठ के फोटो खींचा सकते हो। अगर आपको ऊपर जाना है तो 100 रुपीज पर पर्सन टिकट है, तो उसमें आप 50 रुपीज रिडीम कर सकते हो। जैसे कि 50 रुपीज का अगर आपने कुछ खा लिया या वाटर बॉटल ले लिया या फिर कुछ मिल्क शेक ओरियो वगैरह है, यहाँ पे लिस्ट है वो सब आप देख सकते हो। और आपको दिखाता हूँ, वो देखिए टी कॉफ़ी, फिर उसके बाद माजा जीरा मैंगो पानी का बॉटल, कोल्ड कॉफ़ी, ओरियो शेक, लस्सी वगैरह आप ले सकते हो। वो जो आपने 100 रुपीज़ का टिकट लिया उसके अंदर 50 रुपये का कोई भी आइटम आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये इंस्टाग्राम फोटोज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। और आप लोगों ने, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ फोटोज़ में, कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और फोटोज़ खींचते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग के फिफ्थ डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो गाइस। सो पहुंच गए हम लोग के फाइनल डेस्टिनेशन पे, दैट इज सिंक्वेरियम फोर्ट, आल्सो नोन एज लोअर अगवाड़ा फोर्ट। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है और नारियल के पेड़ों से घिरी हुई है। और यहाँ पे आप बाजू में आइसक्रीम वगैरह, फ्रूट्स, चिप्स वगैरह भी खा सकते हो और यहाँ पे आराम से आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके गाइस, सो दिस इज आवर फिफ्थ डेस्टिनेशन सिंक्वेरियम फोर्ट। इस फोर्ट पे एंट्री बिल्कुल फ्री है और अगर आप आपकी व्हीकल मेन पार्किंग एरिया से थोड़ी दूर पार्क करते हो तो पार्किंग भी फ्री है गाइस। ये सीढ़ियाँ डायरेक्ट नीचे बीच की ओर जाते हैं, जहाँ पे आप आराम से बीच का आनंद ले सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। अगर आप आपकी फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर ये बीच पे सनसेट देखना तो बनता ही है बॉस। जैसा कि मैंने बताया, ये सीढ़ियाँ डायरेक्ट नीचे जाती है बीच की तरफ और बीच पे आप आराम से वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो। यहाँ पे फेमस ताज अगवाड़ा होटल भी है जहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ओके, तो चलो अभी हम चलते मेन फोर्ट की तरफ।
गाइस यहाँ पे सब आनंद जिनू ये सब क्या क्या लिख के रखा है ये सब मत कीजिए यहाँ पे आके, सच में इट्स वेरी बैड एंड इट्स वेरी सैड ऑल्सो। और आइए नेचर के मज़े लीजिए। जितनी भी डेस्टिनेशंस मैंने आज आपको बताई वो आप सारी की सारी एक दिन में कवर कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल।